Good morning, dear students. How are you all? So today we are going to do lesson number 8, The Three Fish. This is a story of three fish. They lived with their families in a pond. One day, two fishermen came near the pond. They saw the fish and said, "Look, this pond has many fish. Let us come tomorrow and fish here." Saying this, the fishermen left. जो ये स्टोरी है ये थ्री फिशेस के बारे में है जो अपनी फैमिलीज के साथ एक पॉन्ड में रहती थी. एक बार दो फिशरमैन उस पॉन्ड के पास आए एंड दे सॉ कि बहुत सारी फिशेस हैं वहाँ पे. सो दे सेड, लुक दिस पॉन्ड हैज़ मैनी फिश, यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं. टुमारो वी विल कम एंड फिश हियर, हम यहाँ पे आके कल फिशिंग करेंगे. एंड बाय सेइंग दैट फिशरमैन left. All three fishes heard this. The eldest and the wisest. Eldest means जो सबसे बड़ी, wisest सबसे समझदार. जो सबसे बड़ी और सबसे समझदार थी, she said, "Dear friends, I think there will be trouble." Trouble यानि problem, danger, परेशानी. "Let us leave this pond and go somewhere else. The fishermen will come tomorrow with their nets." So, जो उनमें से सबसे बड़ी थी तीनों में से, उसने कहा कि फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही डेंजर होने वाला है, तो हम लोग इस पॉन्ड को छोड़ के कहीं और चलते हैं. और कल जो है फिशरमैन अपने नेट्स के साथ आएंगे. द सेकेंड फिश सेड, "यू आर राइट, लेट अस मूव टू अनदर प्लेस." बट थर्ड फिश लाफ्ड एंड सेड, "डू नॉट बी स्केयर्ड." स्केयर्ड मीन्स डोंट गेट फ्राइटेंड, डरना नहीं है. "नथिंग विल हैपन. वी हैव लिव्ड इन दिस पॉन्ड ऑल आवर लाइव्स. नो वन हैज़ एवर कम टू फिश हियर. आई विल नॉट लीव दिस पॉन्ड." जो सेकेंड फिश है उसने भी बोला कि तुम ठीक कह रही हो और हम किसी और जगह पे चलेंगे. पर जो तीसरी फिश थी, थर्ड फिश जो थी, शी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया कि डोंट बी स्केयर, डरो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा. एंड हम इस पॉन्ड में अपनी पूरी लाइफ हमने इसी पॉन्ड में निकाली है और यहाँ पे कोई भी फिशिंग करने के लिए नहीं आता है. सो डोंट बी स्केयर. The eldest fish left the pond with his family. He found a nice big pond where he settled down. The second fish also left the pond and joined the eldest fish. तो जो eldest fish थी, सबसे बड़ी जो fish थी, वो अपनी family के साथ एक और बड़े अच्छे pond में जाके settle हो गई. और जो second fish थी, उसने भी जो सबसे बड़ी fish थी, उसकी family को अपनी family के साथ join कर लिया. The third fish did not leave the pond. He made fun of his other friends. He swam and danced. Soon he saw the fishermen coming with nets. They caught all the fish in the pond. The third fish and his family were also caught in the fisherman's net. All this happened because of his foolishness. His foolishness means his uski bewakufi se aisa kuch hua tha. तो द थर्ड फिश, उसने पॉन्ड जो है उसने लीव नहीं किया, उसने बाकी फ्रेंड्स का भी, शी मेड फन ऑफ, उसने उनका भी मजाक बनाया. मेड फन ऑफ मीन्स किसी का मजाक बनाना. तो उसने अपनी फ्रेंड्स का भी मजाक बनाया. वो वहाँ पे तैर रही थी, शी वॉज ही वॉज डांसिंग. बट सून द फिशरमैन केम विद देयर नेट्स. जल्दी ही फिशरमैन अपने नेट्स लेके आए और उन्होंने पॉन्ड से बहुत सारी फिशेस कैच की, मतलब पकड़ी. थर्ड फिश और उसकी फैमिली भी उसी में थी और वो भी फिशरमैन के नेट में पकड़ी गई. और ये सब किसकी वजह से हुआ? वो उसकी फुलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ. वो भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ पॉन्ड लीव कर देता तो उसकी फैमिली और वो बच जाती. इसीलिए वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे नो मोर देन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है. इसलिए हमें उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी एडवाइसेस को फॉलो करना चाहिए. सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स एंड लिसन टू योर एल्डर्स.